नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब अजीत अपने चाचा को धोखा देकर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गए तो ऐसा लगा कि मोदी शाह ने जंग जीत ली, लेकिन 3 महीने भी नहीं हुए एक बार फिर अजीत पवार रंग रूप दिखाने लगे हैं और उसी को लेकर फडणवीस शिंदे भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं। खबर बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खबर पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी और सरकार बनाई तो कहा जाने लगा था कि अब एनसीपी की बारी है और वो दिन भी आ गया जब मोदी शाह की जोड़ी ने एनसीपी तोड़ दी और एनसीपी अजीत पवार गुट इस वक्त सरकार में है। लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो जब अजीत बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो कहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और ये बात अब लग रहा है कि सच साबित हो रही है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल शुरू हो गया है। सियासी हलचल की वजह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। खबरों की माने तो अजीत किसी बात से नाराज हैं, लेकिन कोई भी खुलकर यह नहीं बोल रहा कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। हालांकि जैसे ही यह बात सामने आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए, जबकि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन मुंबई में अपने सरकारी आवास पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया। अजीत पवार के इस बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और संजय बालसोडे मौजूद रहे और 1 घंटा नेताओं ने बैठक की। उनके इस रवैये के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अजीत पवार नाराज हो गए और कैबिनेट मीटिंग से दूरी बना ली। जानकारों की माने तो अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने तंज कसा और कहा कि अभी 3 महीने का हनीमून भी खत्म नहीं हुआ और समस्याएं शुरू हो गई। सुप्रिया सुले ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और मैंने सुना कि एक खेमा नाराज है। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना कि जो खेमा नाराज है उसने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उनकी नाराजगी से अवगत कराया। सिर्फ 3 महीने हुए हैं, हनीमून भी खत्म नहीं हुआ और समस्याएं शुरू हो गई। 3 महीनों में ही ऐसी खबरें आ रही हैं, ये सरकार चला कौन रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक खबर और सामने आ रही है कि दिल्ली में शिंदे और फडणवीस इसलिए अमित शाह से मिले कि जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है और इसके कारण क्या है। अब देखना होगा कि अजीत पवार जिसके लिए जाने जाते हैं वो करते हैं या फिर चुपके रहकर सरकार चलाते हैं।